This is Max from Santa Cruz. और आज मैं जो प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ वो बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो टीचर्स हैं और जैसे आपको मालूम है टीचर्स डे बहुत नज़दीक आ रहा है, तो मैंने सोचा कि उन्हें उनको एक गिफ्ट दे। और टीचर्स को क्या चाहिए रहता है, नोटबुक्स और ज़्यादा करके जो यहाँ जो लोग नोट पैड पे कुछ भी लिखते हैं और पेंस, तो मैंने उनके लिए गिफ्ट बनाया था। तो मैं आपको बता देती हूँ तो क्या मैंने बनाया है। ये देखो, ये मैंने उनके लिए बनाया था, ये नोटबुक्स है, नोटबुक है और 3 पेंस हैं। तो मैंने 3-4 बनाया, तो मैं आपको बता देती हूँ सब जो मैंने बनाया था। ये देखो, ये पिंक कलर में है, ये ब्लू कलर में, ये दोनों ग्रीन, एक लाइट एक डार्क, और ये ऑरेंज। तो मैंने ये सब मेरे फ्रेंड्स लोग के जो टीचर्स हैं उनके लिए बनाया। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसा बनाना है। मैं पूरा वीडियो का नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको, क्योंकि ये पूरा वीडियो बहुत लॉन्ग है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देगी कि क्या है, कैसा करना है और क्या क्या इसको लगता है। तो मैं इनको ज़रा हटा देती हूँ, इसको ऐसे साइड में रखती। तो मैंने जो बनाया है ये देखो, ये जो मैं बना आपको बता देगी, तो इसमें से है, ये है मैंने, ये देखो, और ये है आपका नोट पैड। तो ये नोट पैड आप जैसा फुल्स के पेपर्स हैं तो उनको अपने लोकल जो बुक बाइंडिंग है उसे आप काट के ले सकते हैं और उसका एक पूरा एक स्टेपल करके उनको मांग सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि वो पेपर जो भी मेजरमेंट है मैंने उसके साथ लिया। तो मैंने ये वाला जो है जो मेरा लॉन्ग साइड पे है मैंने 10 लिया है एंड ऐसा मैंने 7 5/5 से काटा है। और फिर मैंने खाली स्कोरिंग खाली एक ही साइड किया है जैसा 1 इंच का, और फिर मैंने ई बुक अंदर रख के पहला सब अच्छी तरह से इसको ये किया है फोल्ड करके जो है वो मैंने लिया है। फिर मेरा जो ये साइज़ है जो DSP मैंने लिया है वो 7 1/4 by 4 का लिया है। तो इसमें मैंने 3 काटा है, तो मैंने एक इसके ऊपर चिपकाया है, एक यहाँ पे चिपकाया है जैसा पूरा पीछे जाता है, और इसको भी मैंने गम से चिपका दिया, देखो ये निकलेगा नहीं। और मैंने दूसरा है जो ये इधर पीछे लगाया है, तो मैंने क्या किया है, तो जो ये बेली बैंड है तो मैंने ये DSP चिपका के बेली बैंड को पहला चिपकाया है पूरा यहाँ तक, और फिर इसके ऊपर मैंने ये DSP लगाया है। तो और इसके नीचे मैंने, आप देख सकेंगे, एक मैग्नेट है और उसके ऊपर कवर करने के लिए मैंने यही पेपर का यूज़ किया है, और इसके ऊपर मैंने मैग्नेट चिपकाया है, इसके अंदर भी मैग्नेट है, और इसको 2 सर्कल के बीच में चिपका दिया, तो ये मैग्नेट क्लिक हो जाता है। और इसको मैंने ये जो मैंने फोम का काटा था उससे मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो वेरी इजी ये बनाने के लिए। तो और मैं ये जो है ये पेन होल्डर है, इसको मैंने 11 इंच का लिया है बाय 3 इंच, और मैंने 2 स्कोर लाइन किए हैं जैसा मैंने स्कोर किया 6 1/2, तो मैंने इसको ऐसा फोल्ड किया। और इसको भी DSP का मैंने जो सेम कलर है, जो मेरा सेम कलर का जो नोटबुक है वही नोटबुक मैंने इसके ऊपर लगाया, और ये पीस है 4 1/2 by 2 3/4, और ये पीस है 1 3/8 by 2 3/4,
मैंने इनको दोनों को ऐसा चिपका दिया। इसको फोल्ड करके मेरे मेरे पास जो सर्कल पंच है उससे मैं 2 इंच का सर्कल मैंने काट दिया है। तो अभी इसके अंदर मैं पेंस पहला तो मैं स्टिक करूँगी, तो इसको सिर्फ यहाँ पे स्टिक करना है जैसा ये साइड पे, ये खाली यहाँ पे ऊपर ही पूरा नहीं स्टिक करना है, खाली ऊपर का स्टिक करना है ये इस तरह। ये देखने का है कि लाइन पे दोनों सब बराबर है कि नहीं, और इसको स्टिक करो। इसको स्टिक करने के बाद इसके अंदर अभी ये होल के अंदर पेंस, जैसा मैंने यहाँ पे भी दिखाया आपको, देखो ये होल के अंदर मैंने पेंस डाला है तो अच्छी नीटली वो बैठ जाता है। मैंने 3 पेन लिए थे, ये 3 पेन है और ये तीनों पेन को इसके अंदर डाल देना है ये ऐसा, ये तो ये सूख जाएगा तो इसको ऐसे डाल देना है। मैंने अभी ये सेट बना के इसके ऊपर, तो हर एक जो कलर है वो कलर का मैंने रिबन वापरा है, तो इसका रेड है तो मैं रेड वापरती हूँ। तो और ये बहुत सारा है तो मैं क्या कर रही, इसको डबल लेने वाली हूँ। अच्छी तरह से इसको डबल लेना है ऐसा, इसको पूरा एक पार्सल की जैसा बना सकते हैं, जैसा गिफ्ट की जैसा। और ये टीचर्स लोग को तो ज़्यादा करके तो यही चाहिए रहता है कि एक नोटबुक जैसा कुछ उनको लिखना रहेगा या कुछ ऐसा। तो उनको ज़्यादा करके नोटबुक्स लगते हैं एंड पेंस, ये तो उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उनको इससे रहती है, पेंस और नोटबुक की। मैंने सिर्फ इससे ऐसा, मुझे ये तो कार्ड खोलना नहीं है तो मैंने इसके लिए इसको डबल टाइट करती हूँ और फिर इसको दो बांध देगी ऐसे इस तरह। तो ये हुआ उसका ये बो, इसको मैं जरा अच्छी तरह से ये देखो ये हुआ आपका टीचर्स का, टीचर को देने के लिए अच्छे अच्छा गिफ्ट होता है, तो टीचर्स डे के दिन पे ये आप गिफ्ट उनको दे सकते। ऐसे ही देंगे तो भी एकदम प्रेजेंटेबल लगता है और अच्छा लगता है, ऐसे भी दे सकते हैं यार आपको बैग में डालना है, मगर मुझे ऐसा लगता नहीं कि ज़रूरी है कोई बैग भी देने की, ये ऐसे ही टीचर को जाके दे सकते हैं। तो ये हुआ ये था मेरा आज का प्रोजेक्ट जो टीचर्स गिफ्ट टीचर्स डे का गिफ्ट था, मैंने इतना सारा बनाया था सब। तो ये है ऑल इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एंड वेरी इजी और बहुत ही अच्छा एंड वेरी प्रेजेंटेबल लगता है। सो दिस वाज टुडे बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय फॉर नाउ।